I welcome you all at DCG. As you know, we have gathered today to discuss certain important postulates related to our constitution. आज हमारे देश का संविधान दिवस है और 26 नवंबर 1949 को पहली बार हमारे देश का जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया था। मैं आपको यहाँ पे पांच चार इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे संविधान के रिगार्डिंग है वो डिस्कस करूंगा, जो एग्जाम में भी आती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, उसके साथ साथ जो प्रीएम्बल का पार्ट है वो आएगा, देन फॉलोड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन वेरी ब्रीफ फॉर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए 9th दिसंबर 1946 को पहली बार हमारे देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, उसमें हमारे नियर अबाउट 289 के आसपास जो मेंबर्स थे वो सब प्रेजेंट थे वहां पे। उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 साल 11 महीने 17 दिन लिए हमारा संविधान बनाने के लिए। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 17 दिन। दैट्स वेरी फाइन। अब हमारा जो संविधान बना है 2 साल 11 महीने 17 दिन के बाद, उसके अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स ऐड किए गए, जैसे हमारे आर्टिकल्स हैं, प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके साथ साथ स्केड्यूल्स, 8 स्केड्यूल्स वर देयर, सो देयर वर मेनी की एस्पेक्ट्स। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको मीनिंग अंडरस्टैंड करना उसका बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो होती है जब किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी आने वाली है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। अगर वहां पे मोनार्की थी, राजाओं का राज वहां पे खत्म हो रहा है और वहां पे डेमोक्रेसी आने वाली है, तो उसके लिए संविधान बनाना जरूरी है। संविधान होता है रूल ऑफ लॉ, और जो संविधान है उसके अंदर बहुत सारे पॉस्टुलेट्स ऐड किए गए, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे संविधान के अंदर है, हमारा संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो वो है उनको बनाया गया था चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ऑल्दो उनके साथ 5-6 मेंबर्स थे जिन्होंने फाइनल निक्स एंड ट्रिक्स दिए, टचेस दिया था, हमारा जो संविधान बन गया। अब यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसमें बहुत सारे हमारे देश के अंदर राजा लोग राज कर रहे थे, उनके प्रिंसली स्टेट्स के नुमाइंदे भी वहां पे आए। नुमाइंदों के साथ साथ कुछ कुछ एरिया से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए, सो उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया, डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा पूरा संविधान बना। एक यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इट वॉज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, दी देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, एंड यूजुअली इन योर पेपर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, द क्वेश्चन इज देयर हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो चीज है जो हमारे प्रीएम्बल का खाका तैयार करेगा आगे जाकर। ओके, प्रीएम्बल के अंदर एज यू नो यू माइट हैव स्टडीड इन द एनसीईआरटी बुक्स आल्सो, ऑन द वेरी फ्रंट पेज देयर इज अ प्रीएम्बल दैट इज गिवन एंड इट हैज सम की एस्पेक्ट्स एंड द वर्ड्स लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय सोलेमनली कंसोलिडेट टू अस सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इंडिया एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द अदर डेट्स आर आल्सो देयर। So, ये सारी चीजें प्रीएम्बल के अंदर आती हैं। प्रीएम्बल हमारे पूरे संविधान का इंटरप्रिटेशन करता है। क्या करता है? इंटरप्रिटेशन करता है। अब यहां पे दो डेट्स यहां पे मैं डिस्कस करूंगा, दे आर यूजुअली आस्क्ड इन मेरे पेपर आल्सो। उनमें सबसे पहली डेट आती है 26th नवंबर 1949। ओके, एंड दैट डेट इज कॉल्ड एज एडॉप्शन डेट। व्हाट इज द डेट? एडॉप्शन डेट, बिकॉज उस दिन हमारा जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया था। इसके साथ साथ यूजुअली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है एनफोर्समेंट डेट से, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है हमारे देश में लागू हुआ था और उसको बोलते हैं एनफोर्समेंट डेट। एंड प्लीज रिमेंबर द क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर फ्रॉम द वर्ड एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मींस इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन मींस एनफोर्समेंट। सो याद रखना 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर जो संविधान है वो लागू किया गया था। एक और बड़ी चीज, 26 जनवरी 1950 को संविधान तो लागू हुआ, उसके साथ साथ उसको आज हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया आल्सो, और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति, हिज नेम इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिक पार्ट है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये जरूरी है। और इसके साथ साथ
हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स आर देयर, फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एंड देयर आर मेनी अदर अदर की एस्पेक्ट्स आल्सो एंड देयर आर नियर अबाउट 395 आर्टिकल्स देवर देयर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। लेकिन आज 2020 के अंदर 460 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। ओके, यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करूंगा, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। आम सोसाइटी के अंदर बहुत कम लोगों को फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का पता है। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो फंडामेंटल राइट्स से देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द टॉपिक आल्सो फ्रॉम द टॉपिक पार्ट। देखो, सबसे पहला राइट हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी। देश जो है उसके अंदर गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सबका जो राइट है इक्वालिटी का वो बराबर है। ऑल द पीपल इन द कंट्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। ओके, नेक्स्ट कम्स इज राइट टू फ्रीडम। इसके साथ जो तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, कभी भी किसी का शोषण ना हो। और नेक्स्ट इसके साथ जो आता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए आर्टिकल 25, ये आर्टिकल याद रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूजली आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है विच ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 25 एंड दैट इज रिलेटेड टू फॉलो द रिलीजन ऑफ द कंट्री। ओके, दैट मीन्स टू फॉलो द रिलीजन, बिकॉज इन इंडिया इन द प्रीएम्बल वी डू हैव द वर्ड सेक्युलर। देखिए देश का एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द रिलीजन आर इक्वल। ओके, सो इट इज द पर्सनल प्रिविलेज ऑफ एवरी पर्सन टू फॉलो द रिलीजन। संविधान के हिसाब से सारे के सारे रिलीजन बराबर हैं और संविधान हमें ये अथॉरिटी और पावर देता है कि जो रिलीजन हमें पसंद है वी कैन फॉलो दैट। ओके, सो आर्टिकल 25 के अंडर कौन सा आता है, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। विद द पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज रिलेटेड टू राइट टू फॉलो एनी दैट इज रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और उसके साथ साथ एक लास्ट हमारा आता दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिलेटेड टू द एग्जाम ओरिएंटेड एरिया ऑल्सो, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 32 बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आर्टिकल 32 के हिसाब से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, हु गेव द आर्टिकल 32 एंड व्हाट इज द अदर नेम दैट इज गिवन टू आर्टिकल 32। ओके, सो द आंसर इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर गेव दिस आर्टिकल एंड ही गेव द नेम दैट इट इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, सोल एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स व्हाई दीज ऑल इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेरे एग्जाम। देखिए जब संविधान बना था उस टाइम पे इसमें 7 जो थे हमारे फंडामेंटल राइट से एक राइट हमारा आता है राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, और 44th अमेंडमेंट के अंदर संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट मींस चेंजेस, विद द पैसेज ऑफ टाइम पार्लियामेंट के पास पावर है, जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग के थ्रू वहां पे चेंजेस कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को लेकर। सो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, लीगल राइट के अंदर, किसमें किया गया था, सो रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कन्वर्टेड टू लीगल राइट। ओके, इसके साथ साथ फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। There are near about 11 fundamental duties in today's time. जब संविधान बना था उस टाइम fundamental duties नहीं थी, these were also added in the 42nd amendment। और याद रखना 42nd amendment को बोलते हैं mini constitution of India, what it is called, so 42nd amendment हमारे संविधान के अंदर mini constitution, उसको नाम क्यों मिला, because maximum changes आज तक जितने भी amendments हुई हैं, there are more than 104 amendments in the constitution in today's time। So, जितनी भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सबसे ज्यादा चेंजेस अगर किसी एक अमेंडमेंट में हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड 42nd अमेंडमेंट, और उसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 352 इज अंडर नेशनल इमरजेंसी, 356 को बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल और गवर्नर्स रूल, एंड लास्ट इज 360 इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स, दैट इज विच आर्टिकल इज कॉल्ड एज डेड आर्टिकल, आई होप यू कैन आंसर इफ यू नो दिस। डेड आर्टिकल इज आर्टिकल 356। ओके, सेकेंड थिंग, हु गेव दिस आर्टिकल, इट वॉज गिवन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जो है डेड आर्टिकल का प्रावधान दिया था। वाई, देखिए जब किसी भी स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तो वहां पे गवर्नर्स रूल लगता है एंड द गवर्नर वर्क्स एट द बिहेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसीलिए जब संविधान बनाया गया था लग रहा था कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी द विजन ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उनकी विजन के थ्रू ये सोचा गया था कभी जरूरत पड़ सकती है अनफॉर्चुनेट टाइम्स के ऊपर,
Until date, it has been implemented in different states of India and maximum to maximum in UP, followed by Punjab, then Jammu and Kashmir also. So, ऐसे बहुत बार इसको implement किया जा चुका है. एक और चीज़ यहाँ पे बहुत important है, जो अमेरिका का constitution है, वो भी written constitution और सबसे पुराना है. When we talk about the Indian constitution and the most important part about this is India's constitution is also written and it is the longest constitution of the world. It is the longest constitution of the world. So apart from this, there are many important things which are to be studied in the polity part also, and we'll cover every aspect of this in the regular class. I hope aap logo ko yahan pe bahut kuch janne ko mila hai. And please remember, today is the National Law Day, 26 November 1949. This is called as Adoption Day. और आज के दिन हमारा संविधान जो है उसको अडॉप्ट किया गया था. एंड अगर संविधान ना हो तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर अनार्की फैलती है. अनार्की मींस व्हेन देयर इज नो प्रॉपर रूल, कोई किसी के नहीं सुनेगा. एंड देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्रोटोकॉल अंडर सम लीडरशिप सो दैट द कंट्री कैन बी रन अंडर प्रॉपर फ्रेमवर्क. नाउ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस बेटा. सर, फ्रॉम व्हिच कंट्री वी हैव अडॉप्टेड प्रीएम्बल? वेरी गुड क्वेश्चन. प्रीएम्बल हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए. यूएसए दुनिया का जो सबसे पुराना संविधान है, वहां से हमने प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है वो अडॉप्ट किया था. ओके, एनीबडी एल्स? सर, यस बेटा. सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? वेरी नाइस क्वेश्चन, प्लीज बी सीटेड. देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस, इट वॉज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये वो चीज है जो हमारे फ्यूचर संविधान का जो पूरा खाका है उसका एक बेसिक आइडिया देता है. इसमें तीन वर्ड्स आते हैं, सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का कंसेप्ट. Sovereign means that the country is free to follow its own policies. किसी के प्रभाव में, किसी के ऊपर बंदिश नहीं हमारे देश के ऊपर कि हम किसी कंट्री के प्रभाव में अपने फैसले लें. We are free to follow anything. Our policies can be as per our own interest also. हमारे देश के लिए क्या अच्छा है उसके हिसाब से हम अपनी policies बनाएंगे बिना किसी कंट्री के प्रभाव से. दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप की, डेमोक्रेसी के अंदर हमारा आता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट. After the age of 18 years, every citizen of India has the right to vote. Vote करने का अधिकार सबको मिला है, 18 साल की एज होना जरूरी है. और उसके हिसाब से स्टेट्स के अंदर हम MLAs को इलेक्ट करते हैं विधानसभा के लिए, और सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर हम लोकसभा राज्य जो मेनली हमारा लोकसभा का जनरल इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 5 years, उसके लिए फिर से हम अपना जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करने के लिए वोट करते हैं. सो दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक सेटअप. और लास्ट जो यहां पे आता है दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक. रिपब्लिक मींस देश के अंदर हो सकता है पहले कोई मोनार्की हो, बट देश जब आजाद हो गया, जब संविधान दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, जब कानून का व्यवस्था देश में स्थापित हो गया, तब किसी भी मोनार्क का राज यहां पे नहीं हो सकता. आने वाले बहुत सालों बाद भी ऐसा नहीं होगा. हमारा संविधान कहता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन सेम. जो आज हमारा प्रेसिडेंट का फॉर्मेट है वो आज भी रहेगा, 100 साल के बाद भी रहेगा. अगर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म का हमारा सिस्टम है जो आज है वो 50 साल 100 साल के बाद भी रहेगा. सो ओवरऑल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन सेम. हाँ, जनरेशन के हिसाब से अगर कभी अमेंडमेंट करना हो, कोई चेंज करना हो, वो प्रावधान ऑलरेडी हमारे संविधान में है. उसके लिए पार्लियामेंट की तरफ से जो है अमेंडमेंट होती है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर बेटा? ओके, एनीबडी एल्स? ओके, आर्टिकल 370. सी आर्टिकल 370 जो हमारे संविधान में है, अब ये रिपील हो चुका है. ये लगाया गया था जब हमारा देश आजाद हुआ था. इट गेव स्पेशल प्रिविलेजेस टू जम्मू एंड कश्मीर. आई वुड लाइक टू टेक द हेल्प ऑफ दिस मैप टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस आर्टिकल 370. आप यहां पे देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेनली. दिस बेल्ट इज द जम्मू एंड कश्मीर एरिया. और यहां पर आप देखिए, जब 1947 में 15th अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिली, 14th अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान आजाद हुआ था, नियर अबाउट सितंबर 1947 के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर दो तीन ऐसी हलचल हुई मेनली पीओके से रिलेटेड, वो मैं आपको बाद में बताता हूं. पहले एक और चीज देखिए, जब देश आजाद हुआ हमारे देश के अंदर नियर अबाउट 552 प्रिंसली स्टेट्स थी. कितनी थी? 552 राजा लोगों को बोला जाता प्रिंसली स्टेट्स. और प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी तीन ऑप्शन अंग्रेजों ने दिया, या तो इंडिया के साथ जुड़ो, या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं अगर उनके एरिया में आते हैं, एंड लास्टली दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट. तीन ऐसे हमारे राजा लोग थे जो इंडिया में जुड़ने से लिए पहले रेडी नहीं थे, जिनमें हैदराबाद का राजा, जूनागढ़ का राजा और जम्मू कश्मीर का राजा आता है. मेनली जो जम्मू कश्मीर का राजा था हरी सिंह डोगरा, ही वॉन्टेड टू कीप जम्मू कश्मीर एज इंडिपेंडेंट स्टेट.
He wanted to make actually Jammu Kashmir as Switzerland of Asia because the geographic feature of Jammu and Kashmir, they are very much similar to the Switzerland part. और जो हमारे जूनागढ़ का राजा था वो मुस्लिम था, ही वेंट टू पाकिस्तान और वहां पे रेफरेंडम के थ्रू इंडिया में उसको जोड़ा गया. एंड फाइनली हैदराबाद का जो निजाम था उसके लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो. पोलो ऑपरेशन वॉज यूज टू अनेक्स हैदराबाद इन टू इंडिया. नाउ कमिंग बैक टू दिस जम्मू एंड कश्मीर एरिया, देखिए नियर अबाउट सितंबर के आसपास जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया आज के टाइम पे तो ये हमारा ये बन चुका है. अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. व्हेन द पठान्स फ्रॉम द पाकिस्तान एरिया दे अटैक्ड POK, तब उन्होंने यहां पे इस एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट किया. देयर टारगेट वाज टू रीच अप टू द श्रीनगर पार्ट, टारगेट उनका था श्रीनगर के आसपास आना. बट हमारे जो इंडिया के लीडर्स थे, एंड द क्रेडिट गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, और प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. उनके साथ नेगोशिएशन किया बाय द किंग हरी सिंह और उनका जो प्राइम मिनिस्टर था शेख अब्दुल्ला. अब्दुल्ला दे आर द मेजोरिटी लीडरशिप इन द जम्मू एंड कश्मीर. आज भी उनकी जनरेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से वहां पर रूल करती है. नाउ दे आर नॉट इन द पावर बिकॉज आर्टिकल 370 हैज बीन अबॉलिश्ड. बट आर्टिकल 370 लगाया गया था दैट गेव स्पेशल प्रिविलेजेस टू जम्मू एंड कश्मीर. अब यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, देखिए आर्टिकल 370 को जब वहां पे लगाया गया तो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. उसी के तहत स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को. और इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा. सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली जनरेशन, सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए जमीन का अधिकार होगा, किसी और स्टेट इंडिया से वहां पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकते. दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाया गया, उसमें उनका अपना संविधान भी बनाया गया, उनका अपना फ्लैग भी है अलग. इवन डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है, इवन डुअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है वो भी जम्मू कश्मीर में लागू होता है. सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट थी इंडिया में जम्मू कश्मीर जहां पे दो सिटीजनशिप चलती थी. अदरवाइज इफ यू गो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया टू ईस्ट इंडिया, यू विल फाइंड दैट देयर इज सिंगल सिटीजनशिप. वी आर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, वी हैव अ वोटर कार्ड और द आधार कार्ड राइट नाउ. ओके, सो वहां पे एक तो ये प्रावधान दिया गया. ऐसे और बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए. अप टू द पीरियड ऑफ 1980s द सिस्टम वाज स्मूथ, वहां पे पॉलिटिकल अपीवल्स होते थे, लेकिन 1990s के बाद वहां पे एक ऐसा अपीवल हुआ कि मिलिटेंसी का दौर स्टार्ट हुआ 1990s के आसपास. एंड विद द पैसे ऑफ टाइम वहां पे जो हिंदू फैमिलीज थी उनको फोर्स आउट किया गया वहां से निकालने के लिए बाय द मिलिटेंट्स. एंड लेटर ऑन बाय द ईयर ऑफ नियर अबाउट 2002-2003 द डिफेंस फोर्सेस दे टुक अप द कंट्रोल इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द देन कांग्रेस गवर्नमेंट. एंड फाइनली 5 अगस्त 2019 को हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया जिसमें आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया और रिपील कर दिया गया. एंड जम्मू कश्मीर को उसी टाइम, यहां पे आप देख सकते हो एक जम्मू कश्मीर यूटी और ये लद्दाख यूटी, दीज टू यूटीज वर क्रिएटेड. और आज आपको यहां पर याद रखना है टू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हु आर देयर इन दिस एरिया. जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, नाम याद रखना मनोज सिन्हा, और जो लद्दाख के गवर्नर है दैट इज आरके माथुर, राधा कृष्णा माथुर. ओके, सो ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर का प्रावधान है आर्टिकल 370 वहां पे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देता है. नाउ दे हैव बीन अबॉलिश्ड. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर बेटा? ओके, सो दैट्स इट.